आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत खस्ता है, पुराना है, मैं रियलाइज़ करता हूँ। अब हमें कुर्सियाँ लगानी है, करीबन 1 अरब रुपए की कुर्सी लगनी है 2 स्टेडियम्स में, और यहाँ पे ये जो कुर्सी आप गद्दाफी में देखते हैं ये अमेरिकन कुर्सियाँ हैं, अब इम्पोर्ट बंद हो गई है सडनली। सो हमारे लिए ये प्रेशर क्रिएट हो गया कि अब क्या करें हम, मगर फैंस के लिए जो है वो स्पेशल इजाज़त कहीं से हम लेंगे और इस पर हम कोशिश करेंगे। लाइट्स जो हैं वो नई लगेंगी गद्दाफी में इंशाल्लाह, वो भी हमने कर लिया हुआ है, ये लाइट्स उठा के हम बाकी जगहों पे लेके जा सकेंगे। आपने मुल्तान का रिएक्शन देख लिया, तो हम छोटे शहरों में जाना चाहते हैं, हम फैसलाबाद और बाकी जगहों पे ऐसे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे क्रिकेट जो है वो स्प्रेड हो और फैंस जो हैं वो इतने ज़्यादा तरसे हुए हैं छोटे शहरों के कि उनको भी मौका मिलना चाहिए अपने सुपरस्टार्स को देखने का, और ये बेहतरीन मौका है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हैं, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ अभी हो जाएंगी, कुछ आगे चल के होंगी, बट ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जहाँ पे हमने आवाज़ उठानी थी उठाई है। इस वक्त जो है वो क्रिकेट टीम जो है वो हमारे साथ चल रही है। ये जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताने ही भूल गया कि वो मेक और ब्रेक था वर्ल्ड कप में जब हमने टीम मैनेजमेंट बदली थी। देखें, कोई भी उस वक्त ये चांस शायद ना लेता। मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे थे कि मत छेड़ो इस वक्त चीज़ों को, चलने दो, मगर मेरा असूल यही है कि मैं फेंस पे बैठूंगा नहीं। सो ये इम्पॉर्टेंट वो डिसीजन बना और आगे चल के जो है उसके आपने रिजल्ट्स देख लिए, एक फ्रेशनेस आ गई परफॉर्मेंस में। बाबर आजम इस वक्त इंचार्ज हैं इस क्रिकेट टीम के, डिसीजंस करते हैं, बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं। इसी तरह से मैथ्यू हेडन को हम दोबारा से इंशाल्लाह एंगेज करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप की स्टेंट के लिए, क्योंकि लोकल नॉलेज का बड़ा फ़ायदा होता है। सो जो क्रिकेट की चीज़ें हैं वो आप रिलैक्स हो जाए, इसलिए कि उसके ऊपर जो है वो कहीं हम मार नहीं खाएंगे। माशाल्लाह से नाम है मेरा, मैं जाके किसी भी क्रिकेट बोर्ड में बात कर सकता हूँ, वो सुनते भी हैं। एक आपका मेरा पहले से रबता है थ्रू कमेंट्री। आपने देखा कि हमारी प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ चली गई है, हालांकि ये प्रोडक्शन की वजह से हमें ओवरऑल लॉस हो जाता है हमारी किटी में, मगर मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान को प्रमोट और प्रोजेक्ट करने का एक ही ज़रिया है, और उसमें हम जितना भी गुड डालेंगे उतना ही कम है। बट सारी दुनिया में पहली दफ़ा हमारी क्रिकेट गई है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यू नेम इट, सारे ग्रेट चैनल्स ने हमारी क्रिकेट को दिखाया है, और वो इसलिए दिखाया है कि हमारी क्रिकेट टीम ग्रेट है, बन चुकी है। और इसमें हम सबको जो है वो शुगर भी करना चाहिए और आपकी मोहब्बत चाहिए। बेसिकली देखें, ये लड़के जो है ना, ये बड़े फ्रिजाइल माइंड है, ये अभी यंगस्टर्स हैं, आप मत सोचें कि ये कोई बहुत एक एक्सपीरियंस लोग है। बाबर आजम 26-27 साल का है, सो आप सोचें ना, अपना आपका बच्चा 26-27 साल का है तो प्रेशर होता है, फिर ये कि एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है। सो थोड़ा हाथ हल्का रखें प्लीज़, ये आपका प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, पीसीबी का ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सबका प्रोडक्ट है। सो यही मुझे कहना था, आपके जो भी सवाल हैं कीजिए जी। थैंक यू चेयरमैन। हम सवाल रह तो नहीं गई, गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर प्लीज़ अपने फ़ोन्स को साइलेंट कर दें, डिस्टर्बेंस हो रही है। सो हम याकूब साहब से पहला सवाल लेंगे, सुहेल इमरान से लेंगे, फिर उसके बाद हमारे अकील साहब। ओके, याकूब साहब